चौंतीसवें स्थापना दिवस पर शनिवार को देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर शहर में गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया बल्कि उनके चरण भी धोए। स्थापना दिवस के दौरान एक बार फिर से कांग्रेसियों को आपस में उलझते देखा गया। यहां वर्चस्व की लड़ाई में कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। हालांकि यहां मौजूद अन्य कांग्रेसियों ने मामले को शांत करवाते हुए दोनों को दूर किया। शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। पहले उनके पैर धोए गए, फिर शॉल और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने पार्टी की विचारधारा पर चलने की शपथ ली। वहीं आने वाले समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में एकजुट होकर मोर्चा संभालने का वादा भी किया। बाकलीवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम स्वागत योग्य है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। विचारधारा को पूरे देश में स्थापित करने वाले महान विभूतियां जो बैठी हैं, उनको मेरा प्रणाम नमन और सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने निर्देश दिए थे कि पूरे मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने गांधीवादी विचारधारा को जीवित रखा है, उसके लिए अपना पूरा जीवन दिया है, उनका सम्मान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर। आज 135वां कांग्रेस के स्थापना दिवस हमने गांधी भवन में बड़े धूमधाम के साथ मनाया। हमने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया, उनको शॉल श्रीफल और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया और साथ में आज हमने संकल्प लिया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस देश इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने जो अभियान छेड़ रखा है माफियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, मिलावट में शुद्धता के खिलाफ, उसके लिए पूरी कांग्रेस जन उनके साथ है। और आने वाला चुनौतीपूर्ण हमारे लिए है, नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और इंदौर शहर में कांग्रेस का महापौर बनेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।